ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा तो ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले एक रफ़ डायग्राम बना लेना अच्छी बात होती है और क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में रेशो से बात हो रही है तो इसलिए हम एक्स वाई को वैसे ही थ्री यूनिट मान सकते हैं इस वजह से एक्स क्यू हो गया टू यूनिट और वाई क्यू हो गया एक यूनिट हम यूनिट्स में ही बात करेंगे रेशो दी हुई है रेशो की ही बात आनी है तो सबसे पहले आप जर्नी एक्स क्यू की ले लें इसमें टाइम उसने चार यूनिट्स दिया है क्योंकि रेशो चार इज टू पाँच तो इसलिए टाइम इसका चार यूनिट्स मान लिया जा सकता है और ये जर्नी डाउन स्ट्रीम है तो डिस्टेंस टाइम फार्मूला से जो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई वो होगी गई टू बाई फोर इज इक्वल टू वन बाई टू ये भी यूनिट्स में ले लेते हैं अब लीजिए आप जर्नी वाई क्यू इसमें जो टाइम है वो पाँच यूनिट्स है और डिस्टेंस एक है तो इस तरह टाइम डिस्टेंस फार्मूला से जो अपस्ट्रीम स्पीड हो गई वो एक बटे पाँच हो गई दोनों स्पीड्स अपने पास हैं तो स्पीड जो करंट की स्पीड है शॉर्टकट फार्मूला से वो d- माइनस यू बाई टू होती है तो इसलिए आपका जो d जो करंट का स्पीड है वो d- माइनस यू बाई टू हाफ़ माइनस वन बाय फाइव बाई टू इज टू तो तीन बटा बीस आ जाता है और रेशो में डाउन स्ट्रीम और करंट की निकालनी है तो वो हाफ बाई थ्री बाय ट्वेंटी इक्ल टू तो टेन बाय थ्री आ जाता है वही इसका आंसर है